रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फायर एंड आइस पोएम का समरी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पोएम का सारांश जान लेते हैं, क्या आखिर में इस पोएम में है क्या, उसके बाद हम स्टेंजा वाइज पोएम का समरी देखेंगे। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में दो ठे अपोजिट व्यू प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मानवता और ये दुनिया आखिर में किस तरीके से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने दो ठे पॉसिबिलिटीज बताया है कि कारण क्या होगा जिसके वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी, आग के लपट में आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो डिजायर लोगों के मन के अंदर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा जिसके वजह से ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। और डिजायर कुछ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो डेफिनेटली न्यूक्लियर वॉर के कंडीशन में ढल जाएगा और दुनिया उस न्यूक्लियर वॉर से जो निकले हुए फ्लेम्स रहेंगे उसमें जल के खत्म हो जाएगा। जो दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है, अगर ये दुनिया नष्ट होगी तो उसका कारण आइस भी रहेगा। और आइस को उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग है कि जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले एक दूसरे के लिए अपने हृदय में नफरत पैदा कर लेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा प्लेनेट जो है वो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज अगर हो जाता है तो मृत्यु तय है। इसलिए इस पोयम में फायर को एविल डिजायर बताया गया है और आइस को विकेड हेट्रेड बताया गया है। ये दो थे अपोजिट ओपिनियन है जिसके माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि फायर भी इस दुनिया को खत्म कर सकता है और आइस भी इस दुनिया को खत्म कर सकता है। पहले स्टेंजा में हम लोग देखेंगे कि पोएट जो है बहुत ज्यादा श्योर है कि ह्यूमैनिटी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। ये दो थे डिफरेंट बिलीव्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पृथ्वी का खात्मा निश्चित है, और ऐसा उन्होंने लोगों के कहने के अनुसार बताया है। पोएट यहाँ पे उन लोगों के फेवर में है जो कहते हैं कि ये दुनिया आग में जल के खत्म हो जाएगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब कभी भी डिजायर अनकंट्रोल्ड या अनएंडिंग हो जाता है, जिसपे लोगों का वश नहीं चलता है, उनको डिजायर है कि उन्हें ये चाहिए तो चाहिए, उनको इनसे बदला लेना है तो लेना है, अगर ऐसा कंडीशन मन के अंदर आ जाता है और उसे इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है तो जो ह्यूमन बींग की लाइफ है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन का ये एविल डिजायर है, जो नकारात्मक सोच है, जो नकारात्मक इच्छाएं हैं, वो फायर से कम नहीं है, और इसी वजह से वो कहते हैं ये फायर एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण जो ह्यूमन काइंड है और ये दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी, जो मानवता है वो समाप्त हो जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि ये जो आइस है ये भी सफिशियंट है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कह के वो आइस के नेचर को द्वेष वाली जो फीलिंग है उससे कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ द्वेष की भावना रखता है। यहाँ पे पोएट ने बताया कि जैसे ही आइस शरीर के टच में आता है तो शरीर को नम कर देता है, वैसे ही जो हेट्रेट होता है अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत बैठ गया और ऐसी नेगेटिव थिंकिंग बैठ गई तो वो भी हमारे माइंड को नम कर देता है, और ऐसा होने से हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे और क्रूवेल भी हो जाएंगे, और ऐसी क्रूवेलिटी ऐसी निर्दयी विचारधारा ह्यूमैनिटी को समाप्त कर देगी, और अगर ह्यूमैनिटी समाप्त हो गई तो ये जो दुनिया है वो भी समाप्त हो जाएगी। सेकंड स्टैंजा में पॉइंट बताते हैं कि हम सभी दो ठे अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके आर्ग्यूमेंट के बीच में फंस जाते हैं। जैसे कि एक है वो कहता है कि दुनिया आग से खत्म होगी, दूसरा कहता है कि दुनिया फ्रीज हो जाएगी और फाइनली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लिटरली चीजों को देखा जाए तो पोएट इन दोनों का एक अलग मतलब निकालते हुए बता रहे हैं कि आखिर में फायर से किस तरीके से ये दुनिया का खात्मा होगा और आइस से किस तरीके से दुनिया का खात्मा होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास इतना पावर है कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जो पोएट है वो एक्सपीरियंस करते हैं एक रोमांटिक डिजायर, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर उन्होंने देखा होता है जो इमोशन है वो एक पैशन के रूप में है, जैसे लव एंड लस्ट। और वो ये बता रहे हैं कि ये जो नेगेटिव पावर है एक दिन पृथ्वी को बड़े से आग के गेंद में तब्दील कर देगा। लेकिन उनको एक दूसरा भी साइड दिखता है जो कि कोल्डर इमोशन होता है, जिसे उन्होंने हेट के रूप में यूज किया इस पोयम में। और जो ये हेट्रेड है ना पोएट के माध्यम से, ये एक ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर है। हेट्रेड के अंदर इतना ताकत है कि वो बने बनाए दुनिया को उजाड़ सकता है, तबाही ला सकता है। वो कहते हैं ये जो प्यार है लव, ये पब्लिसिटी तो पाता है लेकिन जो हेट होता है ना वो साइलेंट किलर होता है। वो कहते हैं कि फायरबॉल जैसे एंडिंग के लिए इफेक्टिव होता है, ये उस तरीके का नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे षड्यंत्र देखने को मिल जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी देखने को मिल जाते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी इतना बढ़ जाता है कि फाइनली इंसान की दुनिया को तबाह कर देता है। और ऐसे ही
पृथ्वी पे धीरे 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 ट्वेस बढ़ता गया तो फाइनली दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस पोयम से जो कंक्लूजन हमारे सामने आता है वो ये है कि ये जो पोयम है वो ह्यूमन इमोशंस के इर्द गिर्द घूम रहा है कि कैसे जो ये हमारे अंदर एक द्वेष की भावना होती है, एक डिजायर होता है, अगर ये हद से अधिक बढ़ जाता है तो कैसे डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और इसके दो पॉसिबल फॉर्म्स भी होते हैं कि अगर इमोशन भी ज्यादा बढ़ गया और साथ ही साथ हेटरेड भी ज्यादा बढ़ गया तो फाइनली ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे आपका पोयम समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।